नमस्कार, मैं रेशम अहमदास वीएसआरएस न्यूज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार जैसे छोटे शहर में बड़े शहरों की तरह सुविधाएं नहीं है। जिले के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में तो हालत और खराब है। ऐसे इलाकों में आज भी लोग शहरी क्षेत्रों के लोगों से बरसों पीछे है, लेकिन धार के युवा प्रिंस दायमा पिछले 3 वर्षों से देशभक्ति की एक अनोखी मिसाल पेश करते हुए गरीब आदिवासी युवकों को आर्मी, बीएसएफ और पुलिस में भर्ती होने के लिए निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनसे ट्रेनिंग लेकर अब तक कई युवा आर्मी, बीएसएफ और पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करते दिखाई दे रहे हैं। प्रिंस दायमा होमयार्ड की छोटी सी नौकरी करते हैं। इस नौकरी से समय निकालकर सुबह शाम युवकों को निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। प्रिंस दायमा का मानना है कि जो युवा गरीबी के चलते महंगी ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों का वे भविष्य बनाने में लगे हुए है और इसी को वो देशभक्ति मानते हैं। सर, हमारे गांव और शहर की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि लड़के आजकल पढ़ाई करते नहीं हैं और शहरों में भी लड़के पढ़ाई करते नहीं हैं यहाँ के। तो जैसे कि गांव से एक दो लड़के निकलते हैं सर, तो वो लड़के को देख के लगता है उनको नहीं, अपने को भी तैयारी करना चाहिए। जैसे कि हमारे गांव से भी एक लड़का निकला है आर्मी में, तो जब से बच्चों में जज्बा आएगा कि हम भी तैयारी करें फिजिकल की, हम भी आगे पहुँचे। हाँ, 10वीं 12वीं पास करने के बाद भी वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। सर, ड्यूटी के बाद, ड्यूटी जैसे ख़त्म करके आता हूँ तो बच्चों को मैं मैसेज डाल देता हूँ। एक ग्रुप है हमारा, बच्चों को मैसेज डाल देता हूँ। एक हमारे अमित सर भी हमारे साथ में है, जब तक वो देख लेते हैं। मुझे 10-15 मिनट कभी लेट हो जाता हूँ आने में, उसके बाद हम लोग दोनों प्लानिंग स्ट्रेचिंग वगैरह भी करवाते हैं, रनिंग भी करवाते हैं। धार के पीजी कॉलेज मैदान में निःशुल्क ट्रेनिंग ले रहे युवा और युवतियों को भी अपने आप को अब दक्ष महसूस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उन्हें भी सफलता मिलेगी। इसके साथ ही निःशुल्क प्रशिक्षण देने वाले प्रिंस दायमा की वो तारीफ करते थकते नहीं है। मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सर, हमारी जो ट्रेनिंग में यहाँ पे होती है पीजी कॉलेज ग्राउंड पे, वो सभी के लिए फ्री है। इसमें ना कुछ पैसा लिया जाता है और कुछ भी नहीं करना किया जाता है। जो गाइडेंस सर हमको देते हैं वो बिल्कुल फ्री है। मैं युवा को ये कहना चाहता हूँ, धार जिले के जितने भी युवा जो आर्मी वगैरह की फिजिकल की ट्रेनिंग करते हैं वो यहाँ पर आए और गोली फिजिकल एकेडमी का बोले। मैं ना पहले गांव में रनिंग करती थी, तो वहाँ पे अकेले करती थी तो कोई नहीं था साथ में। तो एक दिन मैंने सर का ये बैनर देखा और सर को फ़ोन लगाया, तो सर ने बोला, मैं निःशुल्क नाम पढ़ा मैंने, तो फिर सर ने बोला कि ग्राउंड पे आना। तो फिर मैंने ज्वाइन की, एकेडमी ज्वाइन की। उसके बाद सर हमको अलग अलग तरीके से रनिंग करवाते हैं, पहाड़ी पे ले जाते हैं और लोकेशन अच्छा अच्छा निकालते हैं और वहीं ले जाते हैं। और जब से ज्वाइन करी तब से मैंने 3-4 मैराथन भी जीती और प्राइज भी अच्छे मिले। एक प्राइज में फर्स्ट आई थी, उसमें 11,000 रुपये मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज़, धार, मध्य प्रदेश।